Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK 9th year CS executive students. Pay attention. Company law के अंदर लगातार जो आपकी request थी उसे पूरा किया जा रहा है. याद देखिएगा, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे part A के अंदर important chapters. Important का मतलब ये है कि ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं. सो आई अंडरस्टैंड कि 14 चैप्टर से पार्ट ए के अंदर से सारा पढ़ना एकदम डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जब एग्जाम अगर नेक्स्ट डे हो और आपको प्रिपेयर करना हो. सो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा. यहाँ पर पार्ट ए के अंदर कंपनी लॉ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, ध्यान सुनेगा. इन्हें जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ यहाँ पे उसी ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि इनके साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है, जी हाँ, इन चैप्टर्स को उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे. और कुछ सिकंदर होते हैं, सिकंदर कौन होते हैं, जो लास्ट में बोले अभी एग्जाम से दो दिन पहले देख लेंगे. तो अगर दो दिन पहले अगर तुम ये सारे चैप्टर्स को बताने वाला हूँ, ये कर सकते हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है. लेकिन इन चैप्टर्स को क्या करना है, ध्यान सुनना. जैसे सपोज अब चैप्टर फर्स्ट है, यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ लिया, प्रिपेयर हो गया. अगर कहीं से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, उस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. या एनआरके 9 के जिनके पास क्वेश्चन सीरीज इन्होंने ली थी, उन लोगों को कह रहा हूं याद रखना, वो अपने क्वेश्चंस को एक बार देखें और रिकॉल करके देखें. समझो, एग्जाम में भी रिकॉल करना है. पढ़ लिया है जिसने, जिस स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब वो क्या करे, क्वेश्चन लिया जो एनआरके 9 की सीरीज है वो क्वेश्चन लीजिएगा, या जहां से भी आपने ले रखे क्वेश्चन वहां से लीजिएगा और क्वेश्चन फर्स्ट उठा के देखेगा, फिर प्रोविजन को रिकॉल करके देखो. रिकॉल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी एस्पेक्ट्स कवर कर लेती है. तो रिकॉल करके देखिएगा बोल बोल के, ठीक है. लिखने वाला स्टूडेंट का जो उनका टेस्ट सीरीज हो चुका है, होप उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई राइटिंग की. अगर आप कोई नया स्टूडेंट है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, एटलीस्ट कोई एक या दो पेपर सॉल्व करके जरूर देखिएगा. मसल्स अच्छा काम जब ही करेंगे जब इनका यूटिलाइजेशन होगा. आप यूज ही नहीं कर रहे हैं इनको तो ये एग्जाम में अच्छी राइटिंग नहीं आएगा. 3 घंटे के अंदर कैसे करोगे भाई. सो ध्यान रखिए इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, अब चलिए देखते हैं फटाफट चैप्टर इंट्रोडक्शन. जी हाँ, आप नोट कर लीजिएगा, किसी को लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो एनआरके 9 के व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजो, प्रोवाइड करवाएंगे. ऑलराइट, चैप्टर फर्स्ट से देखो, ध्यान समझना. कंपनी लॉ के पेपर में जो सबसे बड़ी जो गलती बच्चा कर देता है, क्या करता है, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर करने की कोशिश कर रहा है. वो डिमांड क्या है क्वेश्चन का, आप आंसर क्या बता रहे हो. मैंने बहुत कॉपी चेक करी है इस बार और मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बच्चा आंसर कुछ और कर गया, क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं है. देखना एक बार, समझना. और जब मैं उस स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तुमने प्रोविजन पढ़ा था, बोला हाँ सर ये तो पता था मेरे को, पता था. ये कई केसेस में देखा है कि बच्चे को पता है लेकिन क्वेश्चन गलत जज कर रहा है. तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अभी प्रैक्टिस करें. एग्जाम में तो है नहीं, आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, ऑफकोर्स नॉट. तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी भी वक्त आपके पास में. क्या कीजिएगा, चैप्टर फर्स्ट उठाया आपने, प्रिपेयर कर लिया. अब क्या होता है कंपनी लॉ के अंदर रेयरली देखा गया है, अगर हम एग्जाम्पल लें, लगभग 60% पेपर तो आपका अप्लाइड या केस बेस्ड होता है. मतलब सिचुएशन आपको दे दिया गया और आपको उसका प्रोविजन के थ्रू आंसर करना है. तो इसलिए थॉरली समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को. तो चैप्टर फर्स्ट से है जिसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन है और ज्यादातर ये क्वेश्चन अप्लाइड में के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है, या फिर क्वेश्चन आपने देखा होगा जो फर्स्ट 5 questions आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वहां पर भी एक स्टेटमेंट होता है. अब इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान से नहीं समझा, आप गड़बड़ कर जाएंगे. जैसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ क्वेश्चन के लिए, ध्यान सुनना. एवरी कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी. अब इस पर आपको बोला कमेंट. अब आप इसको अगर ढंग से जज ही नहीं कर पाए क्वेश्चन को तो गया हाथ से. पर आप अगर पढ़े हैं, पहले आपने पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि भैया ऑफ कोर्स एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट तो वो भी है जो अपने स्पेशल एक्ट में बनी है. तो स्पेशल एक्ट में बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल LIC. क्या LIC कंपनी है? नहीं. लेकिन कंपनी LIC क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. खैर मैं क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आ सकते हैं. तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखें. दूसरा शेयर एंड शेयर कैपिटल काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, बट अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा तो ऑफकोर्स आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी. और इसके अलावा CSR प्रिपेयर कीजिएगा, फिर अकाउंट्स एंड ऑडिट पे जाइए. क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, मेंबरशिप, डिविडेंड, लोन, LGSI. ये 8 chapters ऐसे हैं, इन्हें अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, मैं आपको एक बात पक्के से कह रहा हूँ, और पढ़ने का मतलब ढंग से पढ़ लेंगे तो 50 जो मार्क्स का आपका पार्ट ए आता है, 50 marks का जो आता है, मैं पक्के से कह रहा हूं यहां पर आपको दावे से, 40 मार्क्स का, कम से कम 40 मार्क्स का, ज्यादा भी हो सकता है, 40 मार्क्स का आपको इन चैप्टर से मिलेगा.
क्योंकि भाई जान है कंपनी लॉ के अंदर, ये टॉपिक अपने आप में जान है, ऑलराइट। और इन्हें इसी ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिएगा, इस ऑर्डर में इसलिए कीजिएगा कई बार अगर एग्जाम में कॉम्बिनेशन अगर दे देता है, फॉर एग्जांपल चैप्टर फंड से क्वेश्चन ले लिया गया और चैप्टर सीएसआर से कोई क्वेश्चन ले लिया गया और चैप्टर क्रिएशन से ले लिया, तो इनकी कॉम्बिनेशन आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिएगा, जूम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसमें कौन वन फिर क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री, डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये श्योर कर रहा हूं। सो इन चैप्टर्स को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहे एनआरके 9 के व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा, वहां से इसका इमेज आपको सेंड करवा देंगे, लेकिन अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। 40 मार्क्स का एरिया है, कम से कम 40 मार्क्स है यहाँ पे, ज्यादा हो जाए मतलब 50 पहुंचे तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 40 से कम नहीं आएगा, ये इंश्योर करके कह रहा हूं। ऑलराइट, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के रिकॉल कीजिएगा, एग्जाम में एक मौका मिलेगा, उस मौके में पास हो जाना है अच्छे नंबर से। ऑलराइट, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, एना के नाम के व्हाट्सएप भेजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगा, सीरीज के लिए जुड़े रहना, अलग मत हो जाना, नहीं तो सारी जो इंपॉर्टेंट आ रही है अब सीरीज ये नहीं मिल पाएंगी। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।